स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आज आपके लिए लेकर आया हूँ हाइड्रोलिक मशीन से टॉपिक सेंट्रिफ्यूगल पंप। स्टूडेंट्स, सेंट्रिफ्यूगल पंप आपका इंट्रोडक्शन। पंप पंप है क्या? पंप इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर इंक्रीज प्रेशर ऑफ ए लिक्विड और गैस अदर वर्ड्स इन फ्लूड। हम पंप एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम किसी भी फ्लूड को लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उसका प्रेशर लो से हाई हम चेंज कर सकते हैं। पंप ये काम करता है। बात करते हैं हम सेंट्रिफ्यूगल पंप की। सेंट्रिफ्यूगल पंप क्या काम करता है? इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू हाइड्रोलिक एनर्जी बाई वर्च्यू ऑफ सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एंड फ्लो इज इन रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन। ये रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो। वोर्टेक्स फ्लो में फ्लो है। कॉमन यूज इंक्लूड वाटर स्वेज पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल पंपिंग। पेट्रोकेमिकल पंपिंग, पेट्रोलियम स्वेज, ये वाटर इंक्लूड, इनमें ये कॉमनली यूज होता है। सेंट्रिफ्यूगल पंप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सेंट्रिफ्यूगल पंप का डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इस तरह से डायग्राम होता है। सेंट्रिफ्यूगल ऐसा होता है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो यहाँ पे देख सकते हैं। सेंट्रिफ्यूगल पंप इस तरह से प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो। मीन्स व्हेन ए सर्टेन मास ऑफ फ्लूइड इज रोटेटेड बाय एक्सटर्नल टोर्क, राइज इन प्रेशर हेड टेक्स प्लेस। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ओकर बाई वर्च्यू ऑफ टू मेन पार्ट्स ऑफ द पंप। दो जो मेन पार्ट होते हैं इसमें कन्वर्जन होगा इसका, इम्पेलर और केसिंग। यहाँ पे होता है कंजर्वेशन, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का होता है यहाँ पे इम्पेलर और केसिंग में। इम्पेलर क्या करता है? इम्पेलर कन्वर्ट्स ड्राइवर एनर्जी इंटू द काइनेटिक एनर्जी एंड डिफ्यूजर कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप। यहाँ पर दिस इज द आई ऑफ इम्पेलर एंड दिस इम्पेलर केसिंग। ये केसिंग है यहाँ पे, ये केसिंग होता है बाहरी जो ऊपरी हिस्सा होता है इसका, पंप का जो ढका रहता है, इम्पेलर जिससे ढका रहता है, कवर्ड रहता है इम्पेलर, वो केसिंग होता है। एंड डिलीवरी बाल लगी है यहाँ पे, ये डिलीवरी पाइप होता है ऊपर की तरफ। यहाँ पे सक्शन पाइप है, ये जो सक्शन सक्श करता है वाटर को नीचे से। सम्प लेवल जो होता है हमारा, सम्प लेवल होता है, यहाँ पे सक्शन पाइप लगा रहा है। ये सम्प होता है, सम्प लेवल होता है। यहाँ पे फूट वाल एंड स्टेनर लगाया है जिससे हमारा वाटर जो है स्टेन होके छनने के बाद ऊपर आएगा सक्शन होने के बाद। यहाँ पे इस डिस्टेंस को, यहाँ से इस डिस्टेंस को इम्पेलर की आई से और सम्प लेवल के बीच की डिस्टेंस को हम HS बोलते हैं, सक्शन हेड। एंड इम्पेलर आई से डिलीवरी पाइप के ऊपर की डिस्टेंस को बोलते हैं HD, यानी डिलीवरी हेड। टोटल दोनों को बोलेंगे H, टोटल हेड। टोटल हेड इक्वल टू HD प्लस HS, सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड। आई होप सब पा रहे हैं। इस डायग्राम में ये जो पंप है ये नीचे से सम्प लेवल से वाटर को सक्स कर रहा है इस सक्शन पाइप के थ्रू। यहाँ पर ये वाल लगी हुई है, इसको फूट वाल बोलते हैं। ये स्ट्रेनर लगाया नीचे और ये इम्पेलर आई से बाहर वाटर निकलते हुए ऐसे रोटेट करते हुए, इस इम्पेलर के थ्रू वाटर रोटेट करते हुए डिलीवरी वाल्व को बाहर निकल जाता है बाहर की तरफ। आउटलेट, ये आउटलेट रास्ता हो गया, ये इनलेट, यहाँ से आउट इनलेट, ये आउटलेट। एंड ये एक व्यू यहाँ पे दिखाया है हमने, इसमें से वाटर ऐसे जा रहा है। ये इसका एक दूसरा व्यू हो गया, ये क्रॉस सेक्शन भी हो गया इनिशियली, ये ऊपर से हो गया फ्रंट व्यू हो गया सामने से देखने के लिए। पंप ऐसे दिखता है हमें, ये शाफ्ट लगी होती है जो कपलिंग होती है अदर रोटेटिंग एलिमेंट से, एग्जांपल इलेक्ट्रिकल मोटर से या किसी और अदर डिवाइस से कनेक्ट होती है और पंप इस तरह से ऊपर जाता है। कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स में आपके इम्पेलर, केसिंग, सक्शन पाइप, फूट वाल एंड स्टेनर, डिलीवरी पाइप। इम्पेलर, इम्पेलर मैंने पहले ही बता दिया था आपको, इम्पेलर ये होते हैं। इम्पेलर यहाँ पे
ये केसिंग होता है इसका ऊपर की तरफ का केसिंग, सक्शन आई, ये सक्शन वाली आई होती है जो सक्स करती है वाटर को, ये वेंस होती है, यहाँ पे वेंस लगी हुई हैं, ये वाटर डिस्चार्ज होगा इस तरह से, नीचे से सक्स होगा और ऊपर की तरफ डिस्चार्ज होगा वाटर, वो इल्यूएट केसिंग है। यहाँ पे केसिंग के भी टाइप्स होते हैं हमारे, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा केसिंग या केसिंग के दोनों तीनों जितने भी टाइप्स हैं वो सभी को डिस्कस करूँगा। ओके, जो फूट वाल स्टे नीचे की तरफ मैंने बताया था, डिलीवरी पाइप होता है, सक्शन पाइप होता है। ये डायग्राम एक और देख लेते हैं, इसमें प्रेशर स्लाइड होती है, इस तरह से प्रेशर की स्लाइड होगी यहाँ पे, ये रोटेटिंग डायरेक्शन इंडिकेटर होता है यहाँ से जो रोटेट करता है, पंपिंग केसिंग हो गया इस तरह से, सक्शन स्लाइड हो गई यहाँ पे, अप स्ट्रीम पाइप फ्लेंज होगी, इम्पेलर हो गया, वोल्यूएट चैम्बर हो गया इस तरह से, ड्राइव ड्राइवन शाफ्ट फ्लेंज होगी यहाँ पे, ड्राइवन शाफ्ट फ्लेंज होगी जो ड्राइव कराएगी शाफ्ट को, जो कपल होती है, अप स्ट्रीम ये डाउन स्ट्रीम पाइप फ्लेंज होगी, ये अप स्ट्रीम पाइप फ्लेंज होगी इस तरह से यहाँ पे सब पार्ट। ये सेंट्रिफ्यूगल पंप हैज़ टू मेन कंपोनेंट, सेंट्रिफ्यूगल पंप के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, रोटेटिंग कंपोनेंट कंप्रेस्ड ऑफ एन इम्पेलर एंड ए शाफ्ट, ए स्टेशनरी कंपोनेंट कंप्रेस्ड ऑफ ए केसिंग केसिंग कवर एंड बियरिंग्स, ये मेन यहाँ पे कंपोनेंट होते हैं, डिस्कस करेंगे आपके साथ में। रोटेटिंग कंपोनेंट, रोटेटिंग कंपोनेंट मींस इम्पेलर, वन इज इम्पेलर, इनमें से एक इम्पेलर है, द इम्पेलर इज द मेन रोटेटिंग पार्ट दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रिफ्यूगल एसिलेटिंग टू द फ्लूड, फ्लूड जो होगा सेंट्रिफ्यूगल प्रोवाइड्स कराएगा हमारा, सेंट्रिफ्यूगल एसिलेटिंग एसिलेशन प्रोवाइड कराएगा फ्लूड से जो रोटेट कर पाएगा इम्पेलर के थ्रू, इसमें मेन पार्ट होता है इम्पेलर का, इम्पेलर क्या कराता है, जो फ्लूड होता है फ्लूड को एक सेंट्रिफ्यूगल एसिलेशन प्रोवाइड कराता है, यानी फ्लूड में जो एसिलेशन आएगा तभी फ्लूड मोशन कर पाएगा, यानी वेलोसिटी होगी कुछ किसी भी बॉडी की या कोई भी हमारा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी होगी तभी वो मोशन करेगा, वेलोसिटी होगी एसिलेशन होगा, वो सेंट्रिफ्यूगल एसिलेशन करा रहा है यहाँ पे, कौन करा रहा है इम्पेलर कराता है, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था। शाफ्ट, शाफ्ट यहाँ पर क्या करती है, इट्स पर्पज इज टू ट्रांसमिट द टॉर्क्स इंकाउंटर्ड वेन स्टार्टिंग एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन सपोर्ट द इम्पेलर एंड अदर रोटेटिंग पार्ट्स, सभी पर ये हमें पता है कि शाफ्ट क्या करेगी, सपोर्ट्स करती है, ट्रांसमिट टॉर्क, जो टॉर्क होता है टॉर्क को ट्रांसमिट करती है इम्पेलर, तो इम्पेलर जब भी रोटेट कर पाएगा, जब शाफ्ट इम्पेलर की शाफ्ट जो है शाफ्ट के ऊपर हमारा लगा रहता है, शाफ्ट कनेक्ट होती है दूसरी अदर किसी भी डिवाइस से, इलेक्ट्रिकल मोटर एक्सेट्रा से, वहाँ पे वो शाफ्ट रोटेट कर पाती है, शाफ्ट रोटेट कर पाएगी तभी वो हमारा इम्पेलर रोटेट कर पाएगा, जो सपोर्ट करेगी इम्पेलर को और अदर जितने भी रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं सभी को सपोर्ट करती है। सेंट्रिफ्यूगल आप देख पा रहे हैं ये इस तरह से इम्पेलर आए, ये वाटर का प्रेशर लेके वाटर को ऊपर की तरफ फ्लो कराता है, नीचे से लेके आता है इम्पेलर की आई में और ऐसे लेके ऐसे जाता है, इस तरह से हम ये दिखा रहे हैं, इस तरह से यहाँ से ब्लू कलर में होते होते ये रेड कलर में कन्वर्ट होके ऊपर की तरफ सक्शन वाल्व में पहुँच जाता है। आई होप इतना समझ में आया होगा। जो है ये इसके दो हमारे इम्पेलर होते हैं इस तरह से, क्लोज टाइप इम्पेलर वेंस, ये वेंस कहलाती हैं इनकी, ये वेंस होती हैं, ये ओपन टाइप इम्पेलर होता है इस तरह से, ये डायग्राम आप देख रहे हैं इम्पेलर में, ये इम्पेलर होता है इसका क्लोज टाइप इम्पेलर और ओपन टाइप इम्पेलर, इस तरह के इम्पेलर हमारे पंप में लगे रहते हैं, कौन से पंप में, सेंट्रिफ्यूगल पंप में। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया होगा या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में लिख के मुझे मैसेज कर सकते हैं।